वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक झाल मिष्टी जीवन ब्लॉग सिंचन फैमिली। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मेरे गले की आवाज़ सुन के आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। पता नहीं जब से हम लोग इधर नया जगह पर पोस्टिंग हुआ ना तब से तबीयत खराब ही चल रहा है। कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो आप भी सवेरे सवेरे देखिए हम लोग घूमने जा रहे हैं। और मैं ये चश्मा इसलिए लगाई हूँ, जो आई फ्लो है ना वो मेरे आँखों में भी है, उनकी आँखों में भी है। लेकिन बाज़ार जाना भी ज़रूरी है, कृष्ण स्कूल में है, उनके पापा ऑफिस में है, उनके पापा को भी शायद हो जाएगा, कल सवेरे तक तो उनके पापा को हो जाएगा, देखिए। इसलिए दो तीन दिन से मैं वीडियो नहीं दे पाई, अभी बाज़ार जा रही हूँ, ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। तो आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों, प्लीज़ कॉमेंट्स कीजिए। और मेरे नए दोस्तों को मोस्ट वेलकम माई चैनल टॉक झाल मिष्टी जीवन ब्लॉग सिंचन फैमिली। और जितने भी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दोस्तों को प्यार, ठीक है दोस्तों? ऐसे मेरे साथ बने रहिए। तो आगे हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और बाज़ार में कितना मैं वीडियो कर पाऊँगी वो नहीं बोल पा रही हूँ, कोशिश करूँगी करने के लिए। दो तीन जगह पर जाना है। गुड मॉर्निंग बोल दे बाबा। अच्छे से बोल, सुनाई नहीं दिया जोर से। गुड मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों साथ बने रहे। अभी जस्ट हम लोग रूम से निकल रहे हैं, देख ही सकते हैं सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के साथ दिन भर का कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिला कि वीडियो कैमरा करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सवेरे बाज़ार गई थी, आप लोगों ने देखा, उसके बाद बाज़ार से आके खाना वाना बनाना, फिर घर का साफ सफाई तो लगा ही रहता। पूजा तो मैं सवेरे ही कर लिया था, कृष्णा स्कूल जाने से पहले ही पूजा हो गया था। तो सीधा आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। और दोपहर को थोड़ा सोई भी थी, मतलब टायर्ड लग रहा था, फिर अभी शाम के टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। तो देखिए शाम का सांझ का दिया में तुलसी माता के नीचे जो देते हैं तो वही देखिए। अभी शाम का 7:45 है लेकिन पता नहीं चल रहा है ना, इधर इतना साफ रहता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद पूजा करना है घर का, शाम का पूजा। और क्या दिया जलाऊं, देखिए इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, बार बार दिया बुझ रहा था। मैंने बालों में कंघी भी नहीं किया, टायर्ड लग रहा था दोपहर को, मतलब सो के उठ के फिर कपड़ा वगैरह चेंज करके झाड़ू दे के पोछा, मतलब शाम का पोछा दरवाज़ा पोछा लगाते हैं हम लोग पूजा, मतलब शाम का पूजा और अगरबत्ती दिया जाना उनमें से पहले ये सब करके कपड़ा चेंज करके पूजा कर रही हूँ। अभी घर का शाम का पूजा भी करना है और ऊपर से मंगलवार भी है, काली माता के मंदिर भी जाना है। तो देखिए मैं शाम का पूजा कर रही हूँ और मेरा ओम बेटा तो था घर में, ओम ये कैमरा कर रहा है। और कृष्णा भी उसके पापा के साथ थोड़ा बाज़ार की तरफ गया है क्योंकि सवेरे मुझे 2-4 मेडिसिन नहीं मिला था, वही मेडिसिन उसके पापा गए लाने के लिए। और आप लोगों ने तो देखा ही है मेरे आँखों में क्या हुआ, आई फ्लू होके क्या बेहद भद्दा हालत है। पहले तो ओम को हुआ था शनिवार को, फिर मुझे हो गया रविवार को, और इसके पापा को आज सवेरे जब ऑफिस गए थे ना तब ऑफिस में जाके इसका पापा का हो गया। तो इसलिए सेकेंड आवर में इसके पापा को बोला है ऑफिस से छुट्टी है, और कल अगर आप ठीक रहेंगे तभी ओम के पापा ऑफिस जाएंगे, नहीं तो कल का भी दिन भी घर में रहेंगे। तो और इधर देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और मेरा राजा बेटा ओम कैमरा कर लिया। मैं बोली अच्छा किया बाबा, नहीं तो आज मैं वीडियो नहीं डाल पाती। तो देखिए अभी तो घंटी शंख और ये इसको काशा बोलते हैं, काशी बजाना हो गया। उसके बाद देखिए हम मैं गीता पढ़ रही हूँ, अभी जो पढ़ रही हूँ ये गीता है। तो मैं जिस दिन सवेरे टाइम नहीं मिलता ना पढ़ने के लिए तो उस दिन मैं शाम को पढ़ती हूँ, लेकिन मिस नहीं करती सवेरे या शाम। एक बार मैं 3-4 बुक है, गीता है, दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, विंदेश्वरी माता का चालीसा है। तो ये जो अभी पढ़ रही हूँ ये है दुर्गा चालीसा, उसके बाद इसी में है विंदेश्वरी चालीसा, वो दोनों पढ़ूँगी। तो अच्छा लगता है ना, दिल को ना शांति मिलता है, सुकून मिलता है। तो अभी जो पढ़ रही हूँ है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा बिना देखे भी मतलब पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी देख के ही करती हूँ। तो देखिए देखिए दोस्तों अभी ओम अपने गणेश को टेबल में देखिए, मतलब दोनों भाई हर हफ्ते गणेश जी को वो लड्डू चढ़ाता है, एक दो दिन बाद बाद अपना अपना लेके। तो ओम ने अभी चढ़ाया, कृष्णा अभी उसके पापा के साथ गया ना, तो आके कृष्णा चढ़ाएगा। और आज मंगलवार है, अभी काली मंदिर भी जाऊंगी, आप लोग तो जानते हो। और कृष्णा का भी दिखाती हूँ, रुक जाइए। तो ये कृष्णा का गणेश, कृष्णा जब आएगा तब वो नहा धो के फिर गणेश को देगा। देखिए टेबल का हालत, ठीक करके भी नहीं रखा, ओम का टेबल का अभी पढ़ाई कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इसलिए। ठीक है दोस्तों साथ बने रहिए, अभी काली मंदिर जाऊंगी, ओम भी तैयार हो गया, काली मंदिर तो बगल में ही है फिर भी। ठीक है दोस्तों साथ रहिए।
दोस्तों देखिए अभी काली मंदिर जा रही हूँ और मेरे आंखों का हालत देखिए, 3-4 दिन से ये आई फ्लू हुआ है। तो अभी मंदिर जा रही हूँ, साथ बनी रही है, मंगलवार है, पूजा हो गया, आप लोगों ने तो देखा ही पूजा हो गया। अभी मैं और ओम जा रही हूँ, कृष्णा उसके पापा के साथ थोड़ा बाजार गया है इसलिए। ठीक है दोस्तों, साथ में रहिए। मेरे आँखों में इतना दर्द है ना, क्या बोलूँ। আমি আনছি যাবি দাদার। तो दोस्तों देखिए, काली मंदिर से चली आई हूँ और आके रात का खाना बनाने के लिए तैयारी। रात का नहीं, मतलब रात का खाने में तो इसके पापा दम बिरयानी बनाएंगे बोला है। तो ये देखिए, आप लोग सोच सकते हो कि मैं क्या बना रही हूँ। तो सवेरे बच्चे स्कूल बहुत जल्दी जाते हैं ना, तो मैं सवेरे का जो रोटी के साथ सब्जी होता है ना, उसको रात को ही काट के रख देती हूँ। तो आज का सब्जी है भिंडी और आलू। तो आप जो भिंडी और आलू देख रहे हैं, इधर गोल गोल करके भिंडी काट के लिया और आलू बारीक बारीक से काट के लिया, वो उसके पापा और मेरे लिए फ्राई करूँगी। और अभी जो लंबा लंबा करके देखिए भिंडी को 4 भाग में काट रही हूँ ना, ये बच्चे को स्कूल में रोटी के साथ दूंगी। बच्चे मेरे मतलब कि भिंडी खाते हैं लेकिन वो ऐसे गोल तरीके से काटने से नहीं खाएंगे, ऐसे लंबा लंबा करके काट के फ्राई करके दूंगी तभी खाएंगे। तो बच्चे जैसे भी खाएंगे वैसे ही देती हूँ, कम से कम खा तो ले। और ये देखिए मेरा हाथ जो जल गया था, अभी भी हाथ ठीक नहीं हुआ। और ये केले का अंदर वाला है जो हम लोग खाते हैं, आप लोग खाते हैं पता नहीं है, बहुत टेस्टी बनता है ये, हम बहुत तरीके से बना के खाते हैं। और ये जो आलू और ये भिंडी मैं तो बोली हूँ, ये इसके पापा और मेरे लिए। तो देखिए, और ओम के पापा कुछ लाए हैं, मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ओम के पापा 6 बोतल लाए हैं पानी का बोतल, क्योंकि घर में जितना बड़ा बड़ा बोतल है ना, पानी पीने के टाइम गिर जाता है। तो ये ओम के पापा लाए, मैं सोची नहीं आप लोगों को थोड़ा दिखा दी। तो दोस्तों साथ बने रही। दोस्तों देखिए, अभी रात का डिनर के लिए हम लोग बैठे हैं, तो आप लोग सोचेंगे क्या है, देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। ओम के पापा ने दम बिरयानी घर में बनाया है। तो कैसा बना दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम मतलब 4 लोगों के लिए 4 प्लेट में थाली में ले लिया दम बिरयानी। कृष्णा बोल रहा था बहुत दिन से, पापा दम बिरयानी खाना है, प्लीज़ बनाओ। इसको उनके पापा ने बनाया। तो दोस्तों कैसा लगा, आप लोगों ने डिनर कर लिया? तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। और मैं क्या बोलती हूँ, नूतन सकाल नूतन आलो, सबाई मिले थकबो भलो, गुटी गुटी पाई तुम्हारा सबा हमार पास एगिए चलो। तो दोस्तों ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि काम का बहुत प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात क्या है,
मेरे नए दोस्तों को मोस्ट वेलकम माय चैनल टॉक झाल मिष्टी जीवन ब्लॉग्स सिंचन फैमिली। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार और छोटों को आशीर्वाद। दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, याद करके आ जाइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगेगा प्लीज कॉमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, सब लोग अच्छा रहिएगा। जय श्री कृष्णा।